Hey guys, welcome back to my channel, प्रिया दी ब्लॉग. नहीं नहीं नहीं, कहाँ निकल रहे हो? कहीं पर चालू हुआ तो कहाँ? मैं निकल रहा हूँ ना. आज दीप ने मुझे बहुत बड़ा वाला धोखा दे दिया यार. कह रहे हैं, हमने कहा जाओ जाओ शॉपिंग कर लूँ. एक्चुअली हम लोग आए हैं जूडियो. मैंने कहा थोड़ी बहुत चीज़ें लेनी है, जाके ले लूँ. तो कह रहे हैं जाओ, मैं कार से उतरूंगा ही नहीं. हम कहे आप नहीं जाओगे तो फिर मैंने जो मूवी वगैरह में देखा हुआ है कि फिर लोग हमसे झाड़ू पोछा कराएंगे. कह मस्ती है झाड़ू पोछा करना. अब बताओ फिर, जैसे मैंने कहा ठीक है आप ये बात बोल दो, तू कार खोल के भाग गए. बताओ ऐसे ऐसे कौन करता है? चले गए शायद. अंदर भी चले गए. मिट्टी मिट्टी बताओ, पापा को ऐसा करना चाहिए? आगे मैं अब जाऊंगी नहीं. बड़े आए फिर बंद कर दिया. देखो ये पता है, सिर्फ पापा पापा बुला देते. बोलो बेटा मम्मा पापा 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 करती है. पपरी पपरी हो गई. और आजकल देव को बड़ा गुस्सा आने लगा यार, बात बात में मुझे डांटते हैं. ना नेहा आपकी हरकतें वैसी है. मैं देखो काहे का जा रहा था. आपको खुद ही लगता है तो हम क्या कहें? हम तो रील में बोल रहे थे. हाँ तो रील रिया सबसे. नहीं रील रिया से नहीं जा भाई, हम जा रहे खून खूने को ही जा रहे गैंग कर लिए. कितना हम जान दे दे ना भाई. हमने तो मीशो का पहना हुआ, हमने मीशो का पहना हुआ. अब इन लोगों के लिए स्पेशल. हेलो बंद करो फोन, आओ आ जाओ चले. अच्छा अभी समझे, भाई बहन सेट लगा के आए हैं. हम भाई बहन हैं. हमें कुछ सुनाइए. प्रत्युष निकलो जल्दी. आ यार आ जाओ, गर्मी लग रही है. क्या कह रही है? कह रहे हैं देख ली मैंने वाला जो पहना हुआ है वही बोल ले लो. कह रहे हमको तो बहुत ही ला रहे थे जूड़ियों का, खुद नहीं ले रहे हैं. कहा कर ले हो आप? गाड़ी कहा चला रहे हो? प्रियु बोलो मम्मा मम्मा. दोनों भाई बहन मिलकर कार चला रहे हो, वाह. अरे प्रत्युष मत करो. गाड़ी चला रही. डर गई बच्ची प्रत्युष. डर गई? नहीं डर गई मिली बच्ची. बिटिया ए बेटू स्माइल कर ले हो तुम तो. इधर देखो. अरे भाई बिट्टी को देखो. अरे अरे क्या गाँव में अच्छा लगेगा. फ्रेंड्स अभी मैं प्रियु को मिरर दिखाने वाली हूँ, देखती हूँ कि ये खुद को ऐसे देख के कैसे रिएक्ट करती है. अच्छा खड़े हो अली प्रियु.
बनाए थे कि बाज 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 कौन है ये? इतना प्यारा कौन है? मेरी प्रियू है। खुद को ऐसे देख के कितना खुश हो रही है। अच्छी लग रही है ना प्रियू? आई ना, मेरी बिटिया अच्छी है। ए साइज थोड़ी बड़ी है, मुझे छोटी साइज मंगाना पड़ेगा। 6 to 12 मंथ्स है तब, आएगा ही नहीं इससे छोटा। सबसे छोटा यही था। देखो BTS चल रहा है। ये BTS चल रहा है ना है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले सॉरी कि आपको मेरे ब्लॉग देखने को नहीं मिल रहे हैं। टाइम ही नहीं मिल पा रहा है कि मैं ब्लॉग शूट करूं। मैं मेरे मेन चैनल के लिए बिजी हूं, जिससे मेरी पहचान है। मैं जहां भी जाती हूं ना, लोग मुझे सिर्फ मेरे प्रियादीप चैनल की वजह से जानते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जितना टाइम हो सके उस चैनल को दूँ, क्योंकि अगर हम ब्लॉगिंग और उस चैनल को लेके साथ में चलने की कोशिश करते हैं तो नहीं हो पाता है। एक चैनल पे एक्टिव होते हैं, एक चैनल हमारा ऐसे ही छूट जाता है। तो जिस चैनल ने मुझे पहचान दिलाई हुई है, आप सभी को भी पता है कि उस चैनल से मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यार है, और वो है मेरा मेन प्रियादीप चैनल। तो आज का वीडियो मैं आप लोगों को बता दूँ कि जब से जिया ने अपने वीडियो में बोला हुआ है कि प्रियादीप आ रही हैं, तब से कुछ तो खुश है कि ओह वाओ दी, फाइनली आप भी जा रहे हो। आप कमेंट पढ़ लीजिएगा, और कुछ ओह अब तेरे व्यूज डाउन हो गए तो अब तू इधर से उधर कर रही है, तो पहले आप मेरा चैनल देख लो। आपको समझ में आ जाएगा कि मेरे व्यूज डाउन नहीं है। ये सोचना ही आपकी सबसे बड़ी मूर्खता है। मैं हूँ यूपी से, जिया है बिहार से, बिहार कटिहार से। हम लोगों की बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। तो हमने हमारे बेटे के बर्थडे में बिटिया की नेमिंग सेरेमनी में जिया को बुलाया था, एंड निक्कू सुमित को भी बुलाया था, क्योंकि निक्कू जब से चैनल बनाई है अपना ना, आई थिंक 2022 से ही हम एक दूसरे को जानते हैं। तब उन्होंने इंस्टाग्राम पे हमें मैसेज किया था, तब से हम एक दूसरे को जानते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था कि पिछले कुछ सालों में मेरे साथ ऐसा हुआ था ना कि मैंने लोगों से डिस्टेंस बना लिया हुआ था। तो मैंने आप लोगों से जैसा कि बताया, तो बिहार, जिया है बिहार से, मैं हूँ यूपी से, और हमारे यहाँ और जिया के यहाँ की डिस्टेंस आप देखोगे, मैं यूपी लखनऊ से हूँ, वो कटिहार से हैं। तो अगर आपको ये लग रहा है कि मैं ब्यूज के लिए उनके यहाँ जा रही हूँ, तो ये आपकी बहुत बड़ी मूर्खता है। आपकी मतलब क्या ही बोलूँ कि कैसी थिंकिंग है। ब्यूज तो मैटर कर ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा यहाँ जाना, आपको पता ही है कि मैं ट्रेन से ट्रेवल नहीं करती, मैं बस से ट्रेवल नहीं करती। हम जहां भी जाते हैं अपनी कार से जाते हैं, तो अब आप सोच लीजिए कि वहां का, यहां से वहां तक का कितना डीजल लगना है। प्लस हम लोग होटल में स्टे करते हैं, चाहे हम सीबी के यहाँ गए हो तब भी हमने होटल स्टे किया हुआ था। इसके बाद हमारी एक बहुत पुरानी फ्रेंड प्रीतिका रघुवंशी, मैं उनके यहाँ गई थी, उन्होंने मुझे बुलाया था, उज्जैन गए थे हम लोग, तभी हम होटल में ही रुके थे। उन्होंने जब बोला कि प्रिया मेरी एनिवर्सरी है, तो मैंने बोला कि ठीक है हम आएंगे, ठीक है। उन्होंने दो बारी मुझसे पूछा, तो हमने कन्फर्म किया। इस चीज पे आपको बवाल करने की जरूरत नहीं है। और रही बात निक्कू की, तो हमारी और निक्कू की जान पहचान जो है वो है 2022 से, जब निक्कू ने अपना चैनल स्टार्ट किया हुआ था, तब उन्होंने मुझे डीएम किया हुआ था। तब मैं उतना सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, खासकर इंस्टाग्राम पे मैं एक्टिव नहीं थी। इंस्टाग्राम पे पिछले 1.5-2 साल से मैं एक्टिव हूँ। तो ऐसे मैंने बिटिया की नेमिंग सेरेमनी में अपने कुछ फ्रेंड्स को, जो हमारे दिल के करीब हैं, उनमें बोला था। और मैंने, जैसा कि मैंने बताया, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। मैं बहुत लिमिटेड लोगों के साथ में, और जिनके साथ हूँ उनसे अपना रिश्ता बना के रखना चाहती हूँ। मैं वो सारे रिश्ते यहाँ सोशल मीडिया पे लाके, मैंने कभी भी नहीं बोला कि निक्कू से मेरी बात होती है, या फिर मेरी जिया से बात होती है, फिर मेरी इनसे बात होती है उनसे, क्योंकि मैंने आज तक कभी भी किसी यूट्यूबर का सहारा नहीं लिया हुआ है, कभी भी नहीं। मैं जो कुछ भी हूँ अपने दम पे हूँ, ये आप सभी को पता है, और मैं कब से यूट्यूब पे हूँ ये भी आप सभी को ही पता है। सो प्लीज़ इस चीज़ को आप लोग ज़्यादा खींचिए मत। कुछ रिश्ते हैं यार, उन्हें सही से रहने दीजिए, ठीक है। तो मुझे बात करनी थी आप लोगों से, इसीलिए इस टॉपिक मैंने आप लोगों से बात किया। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। अब दीजिए इजाज़त, मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो। एक्चुअली मैं प्रियादीप के लिए वीडियो शूट करी, जो कि आपको जल्दी देखने को मिलेगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय, सी यू सून।